शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूं जिसकी डिमांड आप लोगों ने करी थी और पेपर के हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, 17, 18, उसके बाद 22, 23, 24, 25। तो यहां पर जो क्वेश्चन का सिनेरियो है वो इस प्रकार से है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर इस बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और मैं आपको ये सारे सवाल कराने वाला हूं। उसमें समय चाहे 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो या कितने भी वर्ष का हो। तो भाई यहां पर इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीज आपकी यहां पर क्लियर होगी। सबसे पहला मेथड है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड, जिससे आप प्रश्नों को बड़े आराम से हल कर सकते हो। और दूसरा मेथड यहां पर मैंने लिख लिया है रेशियो से भी सरल मेथड। तो जानना चाहोगे क्या होता है रेशियो से भी सरल मेथड, बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बात कर लेता हूं रेशियो मेथड की। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों की बात होगी, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। जैसे अगर मैं कहूं 1 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होगा, 1, यानी पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है, सब लोग जानते हो। 2 वर्षों का अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोलूं तो उसका रेशियो होता है 2:1, बहुत ध्यान से सुनना। ये अनुपात भी मैं आपको अभी याद करा दूंगा, इसको भी आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, कैसे दिया। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3:3:1 के अनुपात में, 4 वर्ष का 4:6:4:1 के अनुपात में। अब आप कहोगे कि सर 5 या 6 वर्ष का होगा, क्योंकि जागरूकता है, आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी हो तो ये मन में आएगा। मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि ये आया कैसे। देखिए 1 वर्ष का 1, अब जितने वर्ष का पूछा है शुरुआत उसी वर्ष से करेंगे और खत्म आपको 1 पर करना है। मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा, जितने वर्ष का आपसे सीआई पूछ रहा है शुरुआत उतने से ही करिए और खत्म 1 पर करिए। जैसे 2 वर्ष का पूछ रहा था तो शुरुआत 2 से करी, खत्म किस पर करा, 1 पर, काम खत्म। 3 वर्ष का पूछ रहा था शुरुआत 3 से करी, खत्म 1 पर किया। आप पूछोगे सर जी बीच वाला 3 कहां से आया, तो बीच वाला 3 मेरे दोस्त इन दोनों को जोड़कर लिख दिया गया। 4 वर्ष की बात करें, शुरुआत 4 से करी, खत्म 1 पर किया। सर ये बीच वाले कैसे आए बताना पड़ेगा। देखिए 3 और 3 जोड़ा 6 वो ये लिखा है, 3 और 1 जोड़ा 4 वो ये लिखा है। आप बात समझ पाए। अगर इसी तरीके से मैं आपसे कह देता कि 5 वर्ष का आपको बताना होता चक्रवृद्धि ब्याज तो आप क्या कहते हैं, सर 5 से शुरुआत करते खत्म 1 पर कर देते, मैंने कहा वेरी गुड। अब उसके बाद बीच वाली संख्या कैसे लिखनी है, देखिए 6 और 4 जोड़िए 10 हो गया। अनुपात याद करने की जरूरत नहीं, एक बार ध्यान से समझिए सारी चीजें आप कर लोगे। उसके बाद फिर जोड़िए 6 और 4 कितना हो गया, फिर सर 10 हो गया। फिर मैंने कहा फिर जोड़िए 4 और 1 कितना हो गया, बोले सर 5 हो गया। तो 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा, 5:10:10:5:1। अब इसमें आपको बात समझना है, जो केवल पहला हिस्सा होता है सभी का जो पहला हिस्सा होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है जैसे इसका 1, इसका 3 और 1, इसका 6 4 1, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही होता है। और ये मेथड क्या है भाई, इतना आप मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूं और मुझे पक्का पता है कि अगर मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए ऐसा बड़ा कम होता है, और बल्कि होता ही नहीं, ठीक है। तो अब आप समझिएगा, ये जो मेथड है ये ऐसा मेथड है जिससे देखिएगा आप सवाल कैसे निकालोगे, बस और बस आपको सिर्फ एक काम करना होगा, ब्याज की दर पर आपको नजर रखनी होगी और इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं, तो अपने सवाल देखते हैं। जैसे एक ही सवाल दिया है, अब देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 2018 में शिफ्ट 3 में ये सवाल पूछा गया था। अब सवाल कह रहा है किसी राशि पर 5 वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, अंतर अगर 2 है तो मूल राशि ज्ञात करिए। समझिएगा बहुत ध्यान से, मैंने कहा आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज की दर पर नजर रखनी है, तो यहां पर ब्याज की दर आपके पास है 5%, कितने परसेंट, 5%, जिसे हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं, यस और नो, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए ये है 1/20, इतनी बात समझ में आई, बोले यस सर समझ में आई। जितना समय दिया है आपके पास यहां पर, जैसे 2 वर्ष दिया है तो ये 2 वर्ष है, तो इसी का वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा 1/400। अब ध्यान से सुनना, इस 1/400 का मतलब क्या है कि 400 पर 1 ब्याज का अंतर पड़ रहा है, और यहां पर देखिए ब्याज का अंतर कितना है, बोले सर 2 है, यहां पर ब्याज का अंतर कितना है 2 है, तो इसको आप 2 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, बोले सर 2 से करेंगे, तो मैंने कहा यहां भी आप 2 से गुणा कर लीजिए, तो 4 × 2 = 800, यानी कि मूल राशि यानी जो मूल धन पूछा था वो कितना हो गया, 800, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इस सवाल को करना, और ये वो तरीका है जो रेशियो से भी सरल है और आप भी इस बात को मानोगे अभी कुछ सवालों के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये पैरामेडिकल परीक्षा में पूछा गया था, 2018 का प्रश्न लिया है। 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर पर निवेशित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, राशि ज्ञात करनी है। फिर से देखिए ब्याज की दर 5%, 5% का मान 1/20 है,
समय दो दिया था मैंने, स्क्वायर कर दिया, अपने पास आ गया 1/400। अब आप ध्यान से सुनिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया था? 15। तो आप इसको 15 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे? बोले हाँ सर 15 से गुणा करेंगे। तो मैंने कहा इसमें भी आप 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 × 60 यानी कि मूल राशि यानी मूल धन जो था आपसे पूछा गया था वो आ गया आपके पास 6000, ऑप्शन नंबर लास्ट यानी कि डी आंसर। आइए देखिए अगला सवाल देखिए, अब आपको मजा आने लगी होगी, ये बात मुझे पता है कि इस तरीके से सवाल जब आप कर रहे हो ना तो आपको मजा आ रही होगी, यस और नो। अगर हाँ रही तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, सर बड़े मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4% की दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है, राशि ज्ञात करिए। 4% का मतलब 1/25, 1/25 का मैंने वर्ग कर दिया तो ये हो गया 1/625। वर्ग क्यों किया? अभी मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों का ये बात नहीं समझ में आए कि ये वर्ग क्यों कर रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा पीछे जाके जरूर देखिएगा, ठीक। 625 पे 1 का अंतर, यहां पर ब्याज का अंतर कितना था? बोले सर 8 था। मैंने कहा इसको 8 बनाने के लिए कितने से गुणा होगा? बोले सर 8 से। तो मैंने कहा इसमें भी आप 8 से गुणा कर देंगे तो 8 × 4800 ये हो जाएगा और 25 × 8 = 200 और हो जाएगा, यानी कि 4800 और 200 तो राशि आपकी आ जाएगी 5000 रुपए, यानी मूलधन कितना आ गया 5000। तो ऑप्शन नंबर फिर से लास्ट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अब की बार दे रहा है कितना? 45। ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत प्यारा सा सवाल है। अब आप ये समझो कि अगर आपके पास ब्याज की दर जो है वो दशमलव में आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, और तरीका सिर्फ और सिर्फ यही इस्तेमाल करना है। तो देखिए ब्याज की दर अगर 12.5% है तो इसको भिन्न के रूप में फ्रैक्शन की फॉर्म में आप क्या लिखते हो? बोले सर 1/8। मैंने कहा ठीक, इसका वर्ग कर दीजिए 1/8 का, तो हो गया भाई साहब 1/64 हो गया। बोले हाँ सर। अब देखो 64 पर ब्याज का अंतर 1 पड़ रहा है और यहां पर ब्याज का अंतर 45 है, तो मुझे अगर 1 को 45 बनाना है तो कितने से गुणा करें? बोले सर 45 से ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 64 में भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 45 से। अब जरा इसमें 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 × 90, 90 × 180, 0 यहां पर आएगा, हासिल लगेंगे 18। 45 × 90, 270 और 18 कितना होता है? 288, यानी कि मूल राशि जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2880। एक एक सेकंड में आंसर आ रहे हैं, आपको मजा आ रही होगी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना? ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं आपके सामने, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन 2019 में भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए थे। और भैया 19 छोड़िए, ग्रुप डी 2022 में 17 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, बल्कि इवन 26 अगस्त फेज 2 में भी ये क्वेश्चन इससे पूछे गए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 15000 की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है आपके पास। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं, ब्याज की दर पर नजर, 8% ब्याज की दर है यानी कि 8/100 लिखते हो, 8/100 के अगर मैं 4 से काट दूंगा तो यह आ जाएगा अपने पास, 8% को 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 2/25। इसका वर्ग कर लीजिए क्योंकि समय 2 वर्ष का है, वर्ग किया तो आपके पास आ गया 4/625, यानी कि 625 के मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 4 है। अब देखिए यहां पर मूलधन कितना दिया? बोले सर 15000 दिया। मैंने कहा वेरी गुड, 15000 दिया। बोले हाँ सर। तो इसको 15000 बनाना है आपको, किसको? 625 को आपको 15000 बनाना है। कैसे बनाएंगे? बोले देखिए सर 25 × 25 625 से इसको काटते हैं 612 आ गया, 612 बोले आ गया सर। अब देखिए 25 × 25 25 × 50 और 25 × 100 यानी 1 का मान आपके पास कितना आ गया? 24। 1 का मान 24 आया तो 4 का मान में 24 का गुणा कर लेंगे तो 24 × 100 कितना हो जाएगा मित्र? 96। यानी जो अंतर पड़ेगा वो कितने रुपए का पड़ेगा? 96। सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ईमानदारी से कमेंट करो सब लोग, फटाफट से कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है, कमेंट जरूर करना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी, आपने इसका लुत्फ उठाया या नहीं उठाया। अगले सवाल के साथ इसका लुत्फ और बढ़ाते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने लाते हैं। 8% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है। 8% का मतलब अभी मैंने आपको बताया था 4/25 स्क्वायर करेंगे 2/25 कितना आएगा? 2/25। वर्ग करिए तो ये आपके पास आ जाएगा 4/625, ठीक, यानी 625 पर 4 का अंतर पड़ता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। यहां पे कह रहा है कि ये अंतर जो है 8 का है, तो कुछ 4 को अगर 8 बनाना है तो कितने से गुणा करना होगा? 2 से। उसी तरीके 625 में भी आपको 2 का जब गुणा करोगे तो आपकी धनराशि क्या बन जाएगी? 625 का दुगना क्या हो जाता है? 1250। ये लीजिए सर आपके आंसर कैसे आ रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है।
अब की बार समय देखिए 3 साल आ गया, तो जैसे ही समय 3 साल आएगा आपको किस पर आ जाना है भाई, आपको आ जाना है रेशियो वाले मेथड पर। किस पे आना है? रेशियो मेथड पर। किस पे आ जाना है? रेशियो मेथड पर। फिर से बोल रहा हूं, किस पे आना है? जैसे ही समय 2 साल से बढ़ा, 3 साल हो गया, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, आप किस पे आ जाओगे? रेशियो मेथड पर। अब ध्यान से समझो, समय कितना दिया है? 3 साल। 3 साल के लिए मैंने आपको बताया था अनुपात क्या बनता है मित्र, 3-3-1, याद आया? 3-3-1। अब देखो करना कुछ नहीं है, ठीक, करना कुछ नहीं है। 400 का 10% बताइए कितना होता है, जितनी राशि 400 का 10% बोले सर 40, तो पहले वर्ष 40। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, यहां पर फिर इस 40 का 10% इसके नीचे लिख दीजिए 4, फिर इस 4 का भी 10% इसके नीचे लिख दीजिए तो 0.4। बोलो ठीक है क्या? अंतर पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, कुछ नहीं करना है। पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं, पहले वाले को तो उनमें टच ही नहीं करना है, काम करना है दूसरे और तीसरे पर। 4 × 3 = 12 हो गया, 1 × 0.4 में करेंगे तो 0.4 हो गया, तो ये जुड़कर आया 12.4। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर पड़ेगा ना वो कितना पड़ेगा? 12.4। अब इसी सवाल को जब नॉर्मल तरीके से किया जाता है तो ये इतना बड़ा होता है, जैसे मैं आपको अभी करके बता देता हूं, जैसे मैं आपको अभी करके समझाता हूं। देखो नॉर्मल तरीका क्या होता है, जो मेंटोस जिंदगी नहीं होती है जिनकी उनकी, देखो जैसे कहा गया कि 400 रुपए था, 10% ब्याज की दर थी, 3 वर्ष का समय था, बहुत ध्यान से समझना, 3 वर्ष का समय था। मैं कहता हूं कि अगर मैं इसका साधारण ब्याज निकालूंगा तो पहले साल 400 का 10% यानी 40 मिलेगा, और 3 साल तक अगर ये मिलेगा तो 120 रुपए इसका साधारण ब्याज होगा, यस और नो? बोले हाँ सर होगा। अब मैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं तो 400 का 10% पहले साल 40 मिला, दूसरे साल ये 40 तो मिलेगा ही, इस 40 का भी 10% मिलेगा जो कि कितना होगा? 4। यानी कि दूसरे साल आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला 44, फिर तीसरे साल आइए 44 मिलेगा ही, फिर इसका भी 10% यानी कि 4.4, तो ये कितना हो जाएगा? 48.4। आप ध्यान से समझना, अब बताइए तीनों साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 40, 44, 48.4, 132.4। कितना आया? 132। साधारण ब्याज कितना था? 120। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया तीन साल का? 132.4। बताइए अंतर कितना पड़ा? बोले सर 12.4। अरे यही तो वो लिख दिया था पहले ही, समझ पाए ना? तो तरीके वो अपनाइए जिसमें आपके समय की बचत हो, टाइम सेव हो, और साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, साथ साथ एक्यूरेसी 100% हो। 100% क्या हो? एक्यूरेसी। नहीं तो केवल समय बचाकर ही क्या फायदा, अगर सवाल सही नहीं हो रहा तो समय बचाने का ही क्या फायदा। देखिए अगला सवाल आता है, 4000 के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का, आपकी बात ध्यान से सुनिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है जबकि ब्याज छमाही संकलित होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया था शिफ्ट थर्ड में। इस बार उम्मीद है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है आपसे सवाल का लेवल भी बढ़ा के पूछ दे, तो इस बार ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पता है कि जब कभी भी ब्याज छमाही संकलित होता है, ये मैं आप मान के चलता हूं कि बात आपको पता है, 3 साल में आपको ये बात तो पता हो गई होगी कि जब ब्याज छमाही संकलित होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आधी कर देते हैं और समय को 2 गुना कर देते हैं, ये बात आपको पता होगी। बोले हाँ सर। पहले क्या थी ब्याज की दर? सर 20% थी, इसका आधा कर देंगे यानी ब्याज की दर हो जाएगी भाई साहब 10%। बोलो ठीक है क्या? बोले हाँ सर। तो हमने लिख लिया ब्याज की दर आधी होने के बाद 10%, राइट। अब समय क्या होगा? 2 गुना होगा। पहले समय कितना था? 1.5 वर्ष, तो अब अगर मैं इसका 2 गुना कर दूंगा तो 1.5 का 2 गुना होता है 3 साल, यानी कि अब समय हो गया मित्र मेरे 3 वर्ष का। और जैसे ही आपको ये 3 दिखाई दिया तो मुझे लगता है कि आपकी आंखों में एक चमक आ जानी चाहिए। बोले सर 3? हाँ 3। तो अनुपात याद आया कि सर 3-3-1, 3 वर्ष के लिए अनुपात क्या होता है? 3-3-1। जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया, शुरुआत का वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा कैसे आया 3-3-1। अब जरा देखिएगा 4000, अब ब्याज की दर आप 20% कैलकुलेट मत कर लेना, जैसे ही करोगे 20% गलत हो जाएगा तुरंत। 4000 का अब मित्र आपको देखना है 10%, क्योंकि ब्याज की प्रभावी दर अब कितनी है? 10%। 4000 का 10% 400, लिख दिया 400। दूसरी बात, अब 400 का 10%, तो मित्र 400 का 10% 40 इसके सामने, फिर 40 का 10% 4 इसके सामने लिख दिया। मैंने बताया आपको जो पहला हिस्सा होता है इससे कोई लेना देना नहीं होता है, कब? जब हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालते होते हैं। 40 × 3 = 120, 1 × 4 = 4, और 120 + 4 = 124, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आएगा? 124 रुपए। बोलो ठीक है क्या? क्लियर है? समझ में आया? एक सवाल देखिए, आरआरबी जेई की परीक्षा शिफ्ट 1, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। 4% दर है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है,
समान राशि पर समान दर से और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना। सवाल बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर देखते ही आ जाएगा 2.80। कैसे आया समझ रहा हूं। अगर आपके पास दो वर्ष में कुल मिलाकर 140 रुपए साधारण ब्याज मिला, साधारण ब्याज, इसको बहुत ध्यान से समझना ये बात, तो प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज रहा होगा, पहले साल भी 70 रहा होगा, दूसरे साल भी, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर होता है। अच्छा, जो साधारण ब्याज पहले वर्ष होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल 10% रहा होगा, मतलब 70 रहा होगा, दूसरे साल 70 तो रहा ही होगा। इस 70 पर भी कितने परसेंट और मिलेगा? बोले सर 4%। किस पे? 70 पे। बाबू ध्यान से सुनो, 70 पर कितने परसेंट और मिलेगा? 4%। तो जैसे ही इसका 4% आप करोगे 2.80 आ जाएगा। तो ये 70 इससे खत्म हो जाएगा, ये 70 इससे खत्म हो जाएगा, जो अंतर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? 2.80। बोलो ठीक है क्या? क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे ही 2.80। मुझे उम्मीद है भरपूर कि ये चीजें आपने बेहतर ढंग से सीखी होंगी। पीडीएफ के साथ मैं इस वीडियो को आपको सामने उपस्थित करूंगा। तो उम्मीद ऐसी ही कि इस प्रकार के अगर सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो आप गलत नहीं करोगे। ऐसे छोटे छोटे तमाम सारे वीडियोस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।